हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 18 अप्रैल के लिए इंट्राडे कॉल्स, यानी कि थर्सडे मार्केट के लिए इंट्राडे कॉल्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो 17 अप्रैल और 19 अप्रैल के दिन यहाँ पर वेकेशन रहने वाला है, हॉलीडे रहेगा। एक महावीर जयंती की वजह से आज के दिन हॉलीडे है, और 19 यानी कि फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन गुड फ्राइडे होता है। तो उस दिन भी मार्केट बंद रहेगा, जिस वजह से सिर्फ थर्सडे मार्केट के लिए आपको यहाँ जो इंट्राडे कॉल दिए जा रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पर एक मल्टी बैगर स्टॉक दिया था रेन इंडस्ट्री का, तो यहाँ पर जो 104 रुपये से लाइव मार्केट में मैंने आपको ये रिकमेंड किया था, और 104 रुपये से वो सीधा 140 रुपये के भी ऊपर चला गया था। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी को इंट्राडे में प्रॉफिट हो सके और मल्टी बैगर स्टॉक्स में भी उनका इन्वेस्टमेंट हो सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे 18 अप्रैल के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज, ये रहे हमारे 18 अप्रैल के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको अगर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज रिकवर करने जाते हैं तो और ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं, तो वहाँ आप मेरी सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको 2 से 3 कॉल दिए जाते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिया गया है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल कर भी बात कर सकते हैं। इस सर्विस में आपको 2 से 3 कॉल दिए जाते हैं, वो भी हम लाइव मार्केट में जो भी मोमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें हम काम कर एक बड़ा टारगेट पर काम कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मार्केट में पीसी ज्वेलर में भी काफ़ी अच्छी रैली बनी हुई है, और सबसे बड़ा स्टॉक जो मैं आपको देने वाला हूँ मल्टी बैगर स्टॉक भी है, वो जैसे कि हमारा रेल विकास निगम है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं होल्डिंग में। तो होल्डिंग में जो हमारी पोजीशन लगी हुई है वो 19.25 से हमारी इसमें होल्डिंग रखी हुई है, और अभी तक इस होल्डिंग को हम लॉन्ग करने वाले हैं, जो वहाँ पर बहुत ही शानदार प्रॉफिट चल रहा है। और भी कई ऐसे स्टॉक हैं जिनमें हमने लाइव मार्केट में पैसा काफ़ी अच्छा कमाया है, तो आप भी वहां पर पैसा कमा सकते हो लाइव मार्केट में कॉल्स लेकर, हमारी सर्विस ज्वाइन कर। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख कर एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकूं और किसी की ज़रूरत ना पड़ पाए, तो वहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस भी आप सीख सकते हो। और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में भी काम करते हो तो वहां पर भी आपको कॉल्स मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो सबसे पहला कॉल है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉल है वो है HPCL का। तो HPCL में यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मजबूती बनी हुई है, IOC BPCL से ज़्यादा मजबूती HPCL के अंदर बनी हुई है, वो भी बाइंग की तरफ। तो यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे, 265.50 से हमारा टारगेट रहेगा 268.15 का, और SL हमारा रहेगा 262.80 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूती इस स्टॉक के अंदर भी बनी है। और जो सेकंड स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक या प्राइवेट बैंक, आप कोई से भी प्राइवेट बैंक की बात करेंगे, जैसे ICICI बैंक है, RBL बैंक है, DCB बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्हीं स्टॉक्स की वजह से, यानी कि जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं इन्हीं स्टॉक्स की वजह से बैंक निफ्टी में भी तेज़ी देखने को मिली थी हमको, और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की उछाल भी देखने को मिला था। तो अभी भी इनमें मजबूती बनी हुई है, जो भी प्राइवेट बैंक हैं अभी भी मजबूती बनी हुई है, सभी प्राइवेट बैंक पर हम ध्यान देकर चलेंगे। और थर्सडे मार्केट में हम कोशिश करेंगे इन बैंक्स के ज़रिए हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकें इंट्राडे के अंदर। और इंडसइंड बैंक में आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, कई दिनों से इसमें गिरावट चल रही थी, और एक ही दिन के अंदर इसने पूरा का पूरा एक बड़ा सा उछाल लिया है, और अभी भी इसमें मजबूती बनी हुई है। एक दिन हम और इसमें बाय करके चलेंगे, 1821 से हमारा टारगेट रहेगा 1839 का, और SL हमारा रहेगा 1801 का। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी नए हैं व्यूअर्स, तो उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर 1% का टारगेट, 1% का SL का यहाँ पर एक्सेल फाइल में फॉर्मूला लगा हुआ है, जिस वजह से आपको ये पॉइंट्स में भी कुछ दिखाई देते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और जो हमारा नेक्स्ट कॉल है, ये थर्ड कॉल हमारा ICICI बैंक का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट बैंक में तेज़ी बनी हुई है, और इसका फ़ायदा हम उठाएंगे थर्सडे मार्केट में। और यहाँ ICICI बैंक के अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इधर में गैप अप ओपनिंग देकर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर भी। तो हम अपनी पोजीशन इसमें बाय की तरफ बनाकर चलेंगे, 408.50 से हमारा टारगेट रहेगा 412.55 या 60 का, और SL हमारा रहेगा 404.40 का। और जो हमारा फोर्थ कॉल है ये है ZEAL का। तो ZEE एंटरटेनमेंट में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक डाउनफॉल बना हुआ है, इसमें अभी कोई मजबूती लौट नहीं रही है, यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन बना हुआ था, एक ट्रेंड इसने पॉजिटिव बना रखा है, बट यहाँ पर एक रिवर्सल क्रिएट कर दिया है इसने हमारे पिछले ट्रेडिंग डे में, तो ट्यूसडे में जो इसने एक रिवर्सल क्रिएट किया है, तो थर्सडे में हम उसका फ़ायदा उठाएंगे।
और ज़ील के अंदर जो पोजीशन मैं आपको दे रहा हूँ इसी पॉइंट से आपको सेल करके चलना होगा। 414.30 से आपको सेल करना है। आपका टारगेट रहेगा 410.15 का और आपका एसएल रहेगा 418.40 का। तो इसका फ़ायदा आप उठाएं और पैसा बनाएं। और जो हमारा फिफ्थ कॉल है ये है अदानी पोर्ट का। तो अदानी पोर्ट में भी आप देख रहे हैं, अदानी पोर्ट में सबसे ज़्यादा मजबूती बनी हुई है। जितने भी अदानी के स्टॉक्स हैं अभी, अदानी पूरा अदानी ग्रुप में जितनी भी कंपनी है सभी में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी हमको ट्यूसडे मार्केट के अंदर, और जिसमें अदानी पोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी अदानी पोर्ट ही है इनके ग्रुप में। तो यहाँ पर हम फोकस करके चलेंगे बाय की तरफ, और हमको बाय करके चलना होगा। 396.60 से हमारा टारगेट रहेगा 400.55 का, और एसएल हमारा रहेगा 392.60 का। और अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कॉल जो है वो सिक्स्थ कॉल हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। मैंने आपको पहले भी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में बाय करने के लिए दिया था, और वहाँ से हमको एक बड़ी उछाल देखने को मिली थी जब इसने ये लेवल ब्रेक किया था, तब मैंने आपको लाइव मार्केट में इसको रिकमेंड किया था। और उसके बाद इसने करीब 150 पॉइंट यहाँ ये ऊपर चढ़ गया था। जब मैंने आपको रिकमेंड किया था तब ये 3 दिन के अंदर 150 पॉइंट ऊपर चढ़ गया था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अब सेल की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बना हुआ है, बट लेवल नीचे का अगर ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है हमको। करीब 3% का भी अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे, 2 से 3% का, तब भी वहाँ पर आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक कर देता है तो। लेवल थोड़ा सा और नीचे है, बट मैं आपको इंट्राडे के कॉल्स के हिसाब से दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 830 से सेल करना है। आपका टारगेट रहेगा 821 का और एसएल आपका रहेगा 838 का। और जो हमारा सेवन्थ कॉल है ये है REC का। तो REC लिमिटेड में आप देख रहे हैं कि पूरे तो एक रैली बनी हुई थी, बट अब ये रैली यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको रैली बनाते हुए। कई दिनों से ये ऊपर चढ़ता ही चला जा रहा था। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, और इसने एक मूविंग एवरेज को तो ब्रेक किया ही है, सेकंड वाले को भी ब्रेक कर देना चाहिए इसको। तो यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपको बाकी स्टॉक्स में ध्यान नहीं देना है तो इस स्टॉक के अंदर ही आप ध्यान देकर चलिए। जो भी छोटे इन्वेस्टर हैं वो REC के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेल की पोजीशन बनाकर वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो हम सेल की पोजीशन बनाएंगे 149.15 से, हमारा टारगेट रहेगा 147.65 का, और एसएल हमारा रहेगा 150.6 का। और फिर भी आपको इतने सारे स्टॉक्स दे रहा हूँ मैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सर्विस ज्वाइन कर काम कर सकते हो। तो वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो हमारा एट्थ कॉल है ये है हमारा RBL बैंक का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट बैंक में हम ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं बाय की तरफ, तो RBL बैंक हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो RBL बैंक को भी हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, और यहाँ पर जो हमको पोजीशन दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन इसने ब्रेक कर दिया है ट्यूसडे मार्केट में, तो यहाँ पर अब जो लेवल खड़ा है, लेवल बन रहा है यहाँ पर, ये लेवल बहुत ही शानदार लेवल बना हुआ है। तो इस अगर लेवल को ब्रेक करता है तो हमको अपना टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम बाय करके चलेंगे 782.50 से, हमारा टारगेट रहेगा 679.35 का, और जो हमारा एसएल है वो रहेगा 675.70 का। तो यहाँ पर ये अगर यहाँ से बाय करके चलना होगा 682.50 से, ये तो आपको ध्यान दे के चलना होगा कि इसी पॉइंट से आपको बाय करके चलना होगा। और यहाँ पर हमारा जो नाइन्थ कॉल है ये है कैडिला हेल्थ केयर। तो जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं सभी ने रिवर्सल क्रिएट किए हैं, और इन फार्मा स्टॉक्स में हमको गिरावट भी देखने को मिल सकती है थर्सडे मार्केट के अंदर। तो जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स में कभी भी आप होल्डिंग बहुत ही संभल कर करनी पड़ती है। फार्मा स्टॉक्स में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में होल्डिंग आप थोड़ा सा बच के चलिए। और जो इंट्राडे में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं तो इंट्राडे में आप ज़्यादा इस पर फोकस करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमको जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं। तो हम यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाकर चलेंगे 336.80 से, हमारा टारगेट रहेगा 333.45 का, और एसएल हमारा रहेगा 340.20 का। और अब हम देखेंगे हमारा जो लास्ट कॉल है वो है रेमंड का। तो रेमंड में भी आप देख रहे हैं, रेमंड में भी हमको सिर्फ सेल की ही पोजीशन दिखाई दे रही है। ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम में हमको बाय की पोजीशन दिखाई दे रही है, बट यहाँ रेमंड की बात करें तो रेमंड में हमको सिर्फ बाय की नहीं सेल की पोजीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद इसने कुछ भी बढ़त नहीं दिखाई है। थोड़ी बहुत बढ़त दिखाई थी बट फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखाई है। तो रेमंड में अभी भी हम सिर्फ सेल की तरफ फोकस करके चलेंगे, और जो सेल की पोजीशन बन रही है 792 से बन रही है, हमारा टारगेट रहेगा 784 का, और एसएल हमारा रहेगा 799.90 का, या आप 800 भी कर सकते हो उसको।
और क्या कहें, अब बाकी स्टॉक्स के बारे में, और जो मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी नुकसान हुआ है आंधी तूफान से, जितनी भी मौतें हुई हैं, तो सभी के लिए संवेदना जताई जा रही है अभी पूरे देश में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सबसे पहले गुजरात में उन्होंने संवेदना जताई थी, और क्योंकि उनकी वहाँ पर पार्टी भी है, केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट पूरे देश में होना चाहिए, और वो पूरे देश के पीएम हैं। तो बाद में जब उन पर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आने लगे और बहुत ज़्यादा बातें होने लगी, तब उन्होंने जाकर उसके बाद अब बाकी जगह के लिए भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि बाकी जगह भी जो भी मौतें हुई हैं उन दर पर भी 2 लाख दिए जाएंगे। तो ये चीज़ उनको पहले ही भी कर लेनी चाहिए थी, बाद में कर लिया। वो बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अपनी जो भी चीज़ छूट रही थी तो उसको कवर कर लिया उन्होंने। तो आप सब भी सोशल मीडिया पर आकर, जो भी आपके पास पावर है सोशल मीडिया का, तो वहाँ पर आप आकर बताएं कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री और पूरे देश के लोगों का ख्याल एक साथ रखें, सबको अलग अलग बांटें ना। अगर आपकी पार्टी जिस स्टेट में नहीं है तो उधर स्टेट भी आपका ही है, अभी आप प्रधानमंत्री हैं तो सभी पूरा देश ही के देशवासी आप ही के हैं, तो आप सभी का ख्याल एक साथ रखें, सबको अलग अलग ना बांटें। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर शेयर करें, और अगर किसी को बुरा लग रहा हो उनके बारे में कहने तो अब वो जानते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है यहाँ पर। तो बाकी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ सभी कॉल्स यहाँ पर, सिर्फ आपके लिए यही कहूँगा बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर नेक्स्ट ट्रेडिंग। और अगर आपको फिर भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ कॉल्स लेकर काम करना चाहते हैं कैश फ्यूचर और ऑप्शन में, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और टेक्निकल अगर क्लास ज्वाइन करना है आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, जो मेन चीज़ें हैं वो सीखने के लिए, जिससे कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकें, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।